on my YouTube channel Meeta Moitra Kitchen. आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है चापोर घोंटो। ये बनाई जाती है बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल और मटर की दाल की वड़ी के साथ। इस वड़ी को ही इसमें चापोर कहते हैं। मैं ये रेसिपी स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर किचन से लेके आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 80 ग्राम व्हाइट मटर जो सूखी हुई होती है उसको 7 से 8 घंटे भिगो लिया था। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डालूंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम सारी सब्जियाँ काट लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ खीरा काट रही हूँ। खीरे को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी और इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम बाकी की सब्जियां काट लेंगे। सबसे पहले 100 ग्राम सेम, इसके किनारों से हम रेशे अच्छे से निकाल लेंगे। 2 बैंगन लंबे लंबे टुकड़ों में हम इनको काटेंगे। ये एक ट्रेडिशनल प्योर वेज बंगाली रेसिपी है, इसलिए इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता। अब मैं 2 करेले काट लूंगी उसी तरीके से छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़ों में। ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम 4 से 5 परवल काट लेंगे। बंगाली रेसिपीज में मैक्सिमम टाइम हम परवल को पूरा नहीं छीलते, हम इस तरीके से अल्टरनेट स्ट्रिप में इसको छीलते हैं। अब मैं 100 ग्राम कच्चा सीताफल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी और अब 2 आलू काट लूंगी लंबे लंबे टुकड़ों में। अब मैं 1/2 चम्मच पंचफोरन और 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, इन दोनों को मैं 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। अब मैं इसको एक हमाम दस्ते में क्रश कर लूंगी। इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है मैंने। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जो मटर दाल पीसी थी उसकी वड़िया बना लूंगी। अगर आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और देखना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बने बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। ये वड़िया बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब मैं इनको बाहर निकाल लूंगी और साइड में रख दूंगी। ये क्रिस्पी दाल की वड़िया तैयार है और अब इसी तेल में मैं ये क्रश किया हुआ पंचफोरन और सरसों डाल दूंगी। अब मैं सारी कटी हुई सब्जियां डालूंगी इसमें, केवल खीरे को छोड़कर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर 8 से 10 मिनट तक, जब तक ये सब्जियां सॉफ्ट नहीं हो जाती, हम इसे पकाएंगे। अब मैं इसमें कटा हुआ खीरा डाल दूंगी और फिर मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक हम फिर से इसको पकाएंगे। सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब मैं इसमें दाल की वड़ियां तोड़ तोड़ के डाल रही हूं। इसे मिक्स करिए और फिर से 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाइए। पर अभी कहीं जाइएगा नहीं, इस रेसिपी का मेन पंच अभी बाकी है। वड़िया हो गई है सॉफ्ट और सब्जी भी पक चुकी है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 40 ग्राम क्रश किया हुआ अदरक और 5 से 6 चम्मच देसी घी। इसे अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ।